हे एवरीवन, वेलकम टू रिलेटिव लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके, बट स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे खुद फील हुआ कि मुझे शेयर करना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए यार, बट आपको थैंक यू बोलना था यार, दिल से, मेरे दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे मेरी ये 7-8 मंथ की जर्नी में इतना सारा प्यार किया और इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक किया और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। उस चीज़ के लिए ना आप लोगों को दिल से थैंक यू, जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ ना वो सारी चीज़ें कम है। सो और ज़्यादा मैं आपको अपने दिल की बात ना सुनाई थे, चलिए स्टोरी को शुरू करते। तो कृष्णा और प्राची के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारे कृष्णा और प्राची जाते हैं दूसरे गाँव का मेला घूमने और वहाँ पर एक ढाबा पर खाने जाते, बट वहाँ पर हमारे कृष्णा को लड़की घूरती रहती है। इस बात से ना हमारी प्राची को बहुत बुरा तो लगता है और वो हमारे कृष्णा को टीज करने लगती है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो कृष्णा को प्राची एकदम टीज कर रही होती है कि वो तुम्हारी एक्स थी क्या। कृष्णा बोलते तुम चुपचाप बैठ नहीं सकती थी क्या, एक्स थी मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं थी तुमसे पहले। तो प्राची बोलते हाँ हाँ सभी ऐसे ही बोलते, बट उनके लाइफ में कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। तो कृष्णा एकदम गुस्से में प्राची की तरफ देखते बोलते तुम्हारी लाइफ में कोई था ना। तो प्राची एकदम वो खांसने लगते बोलते यार तुम तो मुझ पर ब्लेम लगाने लगी यार, मेरे लाइफ में कोई होता तो अब तक मुझे बचाने ही नहीं आ जा सकता था क्या। तो कृष्णा बोलते कि तो फिर ये फालतू बातें लेके क्या बैठी हो उतने देर में। ना वो जो होता है ना वेटर, मतलब वहाँ के ढाबे के जो भैया होते हैं, वो ढेर सारे जो कृष्णा ऑर्डर की होती है ना, मतलब मस्त मस्त डिशेस वो लेके आते हैं। तो कृष्णा बोलती है कि तुमको खाना है। प्राची बोलती है ये वो कितना ऑयली है। तो कृष्णा बोलती है ठीक है मत खाओ मुझे खाने दो, ऐसे बोल के ना वो खाने लगती है। तो प्राची बोलती है कितनी भुक्कड़ हो ना तुम, मुझे एक बार भी नहीं पूछ सकते थे खा लो बोल के, मैंने ऐसा बोल दिया तो मुझे खाने के लिए पूछोगे नहीं। तो कृष्णा बोलती अब तुमने तो बोला कि तुमने कोई ऑयली खाना नहीं खाना, ये और जो लोग खाने को यो करते हैं ना मुझे उनको दूसरी बारी पूछने के लिए मन नहीं करता, अब तुम हटो मुझे खाने दो। तो कृष्णा का हाथ प्राची पकड़ लेती है और जो निवाला वो खा रही होती है ना वो अपने मुंह में डाल देती है। कृष्णा ये देख के शौक, प्राची बोलते यार ऑयली तो है बट बहुत यम्मी है, अब मुझे खिलाओ तुम। तो कृष्णा बोलती क्या। तो प्राची बोलती खिलाओ मुझे। तो कृष्णा बोलती तुम्हारे हाथ नहीं क्या, खुद से खा नहीं सकती। तो प्राची बोलती कि मेरे हाथ है बट तुम मेरे हवी हो ना, और हवी को अपने वाइफ को अपने हाथों से खिलाना चाहिए, अब चलो खिलाओ। तो कृष्णा बोलती मुझे नहीं खिलाना, ऐसे बोल के वो फिर से खाने की कोशिश करती है। फिर प्राची उसका हाथ पकड़ के ना अपने मुँह में डाल देती है। तो कृष्णा एकदम गुस्से में बोल जाती है क्या चल रहा है ये। तो प्राची बोलती घर पे भी खिलाते हो ना, यहाँ पे भी खिलाओ। तो कृष्णा बोलती बट अभी मुझे भूख लगी है ना, मुझे खाने दो पहले फिर मैं तुमको खिला दूंगी। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती कि हो मतलब इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं ना, मुझसे तो थोड़ा सा प्यार है ही नहीं। तो कृष्णा बोलते हाँ मैं तुमसे तो पहले जैसे प्यार में तुम्हारे प्यार में मरी जा रही थी, जो आप प्यार खत्म हो गया मेरा। तो प्राची बोलते थोड़ा थोड़ा सा शर्म कर लो निर्लज्ज इंसान, थोड़ा शर्म कर लो। तो कृष्णा बोलते ठीक है फिर मुँह खोलो, ऐसे बोल के ना वो एक फोक होता है और वो लेके ना उससे मुँह पे डाल लेती है खाना। तो प्राची बोलते अब ठीक है अब सुकून मिला, ऐसे बोल के ना प्राची एक एक बैठ करके खा रही होती है और कृष्णा भी खा रही होती है, एक ही चम्मच से दोनों खा रहे होते हैं। प्राची अपना हैंड यूज़ नहीं कर रही होती, कृष्णा कभी उसको खिला रही होती है कभी खुद खा रही होती है, और प्राची में मज़े से इधर उधर देख रही होती है, बट वो लड़की कंटिन्यूसली ना इनको ही घूरी जा रही होती है। तो प्राची फिर से कृष्णा के पास आती है और बोलती तुम पक्का उसको नहीं जानते ना। तो कृष्णा बोलती नहीं जानती बाबा, नहीं जानती। अब कितनी बारी बोलूँ। तो प्राची बोलती फिर वो तुमको घूर क्यों रही है। तो कृष्णा बोलती वो कुछ पुराना स्यापा है। तो प्राची बोलती कि देखो तुमने अभी बोला नहीं जानती। तो कृष्णा बोली कि मैं उस वे में नहीं जानती बट मैं उसको जानती हूँ, वो हमारे पास वाले गांव के मुखिया का बेटा बेटा और बेटी है दोनों वो। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलते हाँ तो वो तुमको ऐसे क्यों घूर रही है। तो प्राची बोलती प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलते अब मुझे नहीं पता, जाओ उससे पूछ लो ठीक है, अब मुझे खाना खाने दो, ऐसे बोल के वो खाना खाने फिर से खुद से ही खाना खाने लगते हैं और प्राची को नहीं खिलाती। प्राची बोलती फिर मुझे खिलाओ ना। तो कृष्णा बोलते तुम उसकी बात छोड़ो, खाने खाओगे तो ही मैं खिलाऊंगी। तो प्राची बोलते ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोल रही, ऐसे बोल के ना वो खाना कृष्णा के हाथ से ही खाती है और बहुत मज़े लेके खा रही होती है, एकदम से बच्चे वाली हरकतें कर रही होती है, कृष्णा को तंग कर रही होती है। उसके बाइट का भी खाना जो कृष्णा खा रही होती है ना वो भी अपने तरफ कृष्णा का हाथ घुमा के खा ले रही होती है। कृष्णा को पहले ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है बट प्राची की ये बचखंडी हरकतें देखे ना वो भी बड़े प्यार से इन सारी चीज़ों को इन्जॉय कर रही होती है और प्राची के साथ स्माइल कर करके खा रही होती है। और ये सब जो बाजू के टेबल में जो बैठे होते एक लड़का लड़की वो लोग देखे ना एकदम गुस्से में, वो जो लड़की होती है ना वो जो होता है नाइफ उसको ऐसे नीचे मारने लगती है,
करती है। तो उसका जो भाई होता है बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो बहना, ऐसा ऐसा मत करो, इतना गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। तो वो बोलती कि गुस्सा कैसे ना करूँ भैया, देखो वो उस लड़की के साथ कैसे मज़े से खा रहा है, जबकि उसकी शादी मुझसे होनी थी और उसके बाप ने उसकी शादी उससे करवा दी। आपको अच्छे से पता भैया कि मैं उसको कितना पसंद करती हूँ, और पापा ने भी मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी उसी से होगी। तो उसका भाई बोलता है कि तो बहना तो इतना गुस्सा मत कर, वो लड़की से तो 1000 गुना अच्छी है। और तभी वो लड़की को ना प्राची देखती है और मतलब एक स्माइल लेती है और फिर से कृष्णा के हाथों से खाती है। तो वो लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है देखा देखा उस लड़की को मेरे को कैसे चिढ़ा चिढ़ा के खा रही है भैया, अब तो हद होगी, मैं इस लड़की को ना जान से मार दूंगी, ये लड़की मर जाएगी ना तो फिर मेरी शादी कृष्णा से हो ही जाएगी। तो उसके भैया बोलते कि बहना शांत। तो उसकी बहना बोलती कि अब मेरे भाई हो ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना। तो उसका भाई बोलता है हाँ बहना हाँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हो। तो वो बोलती कि तो आप उस लड़की को मार दो। तो उसका भाई बोलता क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं? तो उस वो लड़की बोलती हाँ मेरा होश एकदम ठिकाने, वो लड़की मर जाएगी तो कृष्णा मेरा मेरी मेरा हो जाएगा, फिर वो मुझसे भी ऐसा प्यार करेगा, मुझे भैया कृष्णा चाहिए, मुझे जैसे भी करके कृष्णा चाहिए। तो वो लड़का पहले कतरा रहा होता है, तो उसकी बहन बोलती आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो आज प्रूव करो, अगर मुझसे प्यार करते हो ना वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, ऐसे बोल के वो एकदम गुस्से की तरफ देख रही है। तो उसके भाई उसको शांत करने की कोशिश करता है, बट वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती, बोलती कि आप जाओ उसके पास, उस लड़की को वहां से उठाओ। तो ये सुन के ना उसका भाई मजबूरन वहाँ से जाता है, और वो लड़की भी उसके साथ साथ होती है। वो दोनों जाते हैं और कृष्णा और प्राची के पास एकदम खड़े हो जाते हैं, दोनों का ही ध्यान नहीं होता है, कृष्णा प्राची वो मज़े से अपना खा रहे होते हैं। तभी वो लड़का ऐसे ना ऐसे उसके जो टेबल होता है ना उस पर ऐसा ढप ढप सा करने लगता है। तो कृष्णा ऐसे घूम के देखता है, बोलते क्या क्या वो कुछ चाहिए था आपको? तो वो लड़का ना कृष्णा को एकदम घूर के देखता है और बोलता है हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके तू अपने लुगाई के साथ ऐसे यहाँ पे खा रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने क्या किया तुम्हारे, तो कृष्णा बोलती है कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, ना ही मैं तुमको जानता हूँ ना तुम्हारी बहन को जानता हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो। तो वो लड़की एकदम गुस्से में बोलती वाह तुम भूल गए मुझे, तुमको याद है तुमने मुझे वो मेले पिछले साल मेले में बचाया था, और तब से मेरे बाबा साहब तुम्हारे बाबा साहब से हमारे रिश्ते की बात किए थे, और बीच में इस लड़की आ गई, इस लड़की की वजह से ना तुम इससे इसके इसके साथ हो गए और मुझसे शादी नहीं की। तो कृष्णा बोलते देखो मैं तुमको ना पहले जानता था ना मैं तुमको अब जानता हूँ, हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई थी ठीक है, बाबा साहब से बात हुई थी ठीक है, बट अब मेरी वीवी प्राची है, तो तुम क्या कर रही हो, तुम जाओ ना अपने टेबल पे खाना खाओ। तो उसका भाई एकदम से गुस्सा हो जाता है कृष्णा के ऐसे बेरुखी उसकी बहन के प्रति देख के, और वो एकदम से जोर से टेबल पे मारता है, और टेबल पे जितना खाना होता है ना वो सारा नीचे गिर जाता है, और कुछ खाना ना प्राची के ऊपर गिर जाता है, खाना बहुत गर्म होता है। तो प्राची एकदम चिल्लाने लगती आओ जाओ छोड़ो छोड़ ये हम चल गया चल गया चल गया मुझे कोई बचाओ। ये देखे ना कृष्णा एकदम घबरा जाती है और उठती है और प्राची को एकदम शाप करने लगती है, और वहाँ पे जो बोतल होता है वो दौड़ के लाती है और प्राची के कपड़े पे मैं प्राची के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देती है, उसको साफ करने की कोशिश कर रही होती है, और एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने कर क्यों रही हो तुम दोनों भाई बहन ये। तो उसका उसका भाई बोलता है इस लड़की को मैं जान से मार दूंगा, जो जो लड़की मेरी जिंदगी मेरी बहन को रुलाई उसको, जिस लड़की की वजह से मेरी बहन रोई है वो लड़की को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो कृष्णा एकदम से सामने आ जाता है, भूल मत तू किससे बात कर रहा है। तो वो लड़का बोलता है तू भूल मत तू किससे बात कर रहा है और तू किसके गांव में खड़ा है। तो कृष्णा बोलती है वो मरी लुगाई से उसके ऊपर हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लड़का बोलता है हाँ मैं भी देख लूँगा, आज तो तुम बस मेरी बहन के हो और किसी के नहीं हो सकते, वो तुमको पसंद करती है मतलब तुम उसी से ही शादी करोगे। तो कृष्णा एकदम चिल्ला जाती है और बोलती कि तुम दोनों भाई बहन दिमाग के पैदल हो क्या, और खास करके तुमको दिख रहा है मेरी बीवी मेरे साथ बैठी है फिर भी तुमको मुझसे शादी करनी है, तुम कैसे लड़की हो यार, तुमको अकल वकल है कि नहीं। तो वो लड़की बोलती है कि तुम चाहे किसी की हो तुम बस मेरे ही होगे, और ये लड़की मर जाएगी ना तो हमारे बीच का कांटा ही हट जाएगा, ऐसे बोल के ना वो कृष्णा की तरफ ऐसे हक करने के लिए बढ़ती है। तो कृष्णा उसको एकदम से धक्का दे देती है तो, और वो लड़की एकदम से नीचे गिर जाती है। उसका भाई एकदम गुस्सा होकर ना कृष्णा को एकदम धक्का देता है और वो एकदम पीछे लड़खड़ा जाता है, बट प्राची उसको पीछे से थाम देती है और बोलती है कृष्णा हम यहाँ से चलते हैं, बहुत ज़्यादा वहीं पर प्रॉब्लम होगी, ऐसे बोल के प्राची कृष्णा का हाथ खींचने लगती है। तो वो जो लड़का होता है ना वो भी कृष्णा का हाथ खींचता है और उसको साइड करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को धक्का देने के लिए, सारी फसाद की जड़ ये लड़की है ना
इस लड़की को तो मैं जान से छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोल के ना उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो प्राची की तरफ हाथ उठाता है ना वो लड़का, कृष्णा तुरंत से बीच में आ जाती है और उसका जो हाथ थप्पड़ वाला हाथ होता है ना कृष्णा के गाल पे लग जाता है। और प्राची ये सारी चीज़ें देख के घबरा जाती है। प्राची को पता होता है कृष्णा एक लड़की है और उसको ये लगता है, वो दिल ही दिल में सोचती है कि ये क्यों तीसमार खान बन रहा है यार, चलो यहाँ से चलते हैं कृष्णा, तुम मुझे मेरे सामने कुछ प्रूफ मत करो, मुझे मुझे पता है तुम लड़की हो। और फिर ये लड़का अगर गुस्से पे आ गया ना सचमुच मेरी जान ले लेगा, यार कृष्णा तुम साइट हो, चलो यार चलो यहाँ से भागते हैं, कोई बचा लो, ऐसे बोल के ना वो दिल ही दिल में सोच रही होती है। तो कृष्णा फिर से घूर के देखती है तो उसकी जो बहन होती है पीछे से बोलती है, भाई साहब अपने 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 कृष्णा पे कैसे हाथ हटाया उठाया, अब ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है तू बैठ जा बहना, कृष्णा को कुछ नहीं होगा बट वो लड़की आज जिंदा नहीं बचेगी। तो कृष्णा फिर से बीच में आ जाती है, बोलती कि उसको छूने से पहले ना थारी को हमारे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, अगर तू मेरे को मार सकता है तो मेरी प्राची को छू ले, ऐसे एकदम हक से बोलता है और प्राची को अपने पीछे छुपा लेता है कृष्णा। और उसके जो जो लड़का होता है उसकी आंखों में देखने लगता है और कृष्णा की ये डेयरिंग देख के प्राची दिल ही दिल में सोच रही होती कि ये फट्टू जिसकी मेरे सामने नहीं चलती ये इसको चुनौती दे रहा, पागल हो गया है यार, क्यों खुद मरेगा मुझे भी मरवाएगा। वो धीरे धीरे बोल रहे थे कृष्णा कृष्णा हम यहाँ से चलते हैं ना, क्या कर रहे हो, क्या 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 ये है, चलो ना कुछ नहीं झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हम घर चलते हैं, बाबा से संभाल लेंगे सब कुछ। बट कृष्णा प्राची की एक नहीं सुनती है और उसको अपने पीछे रखती है। तो वो लड़का बोलता है देख अच्छा छोरे तेरे को बोल रहा हूँ तू हट जा हमारे सामने से, ये लड़की हमारा शिकार है तू नहीं है। तो कृष्णा बोलते कि वो लड़की नहीं वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी को कोई मुसीबत छूए उसके पहले ना मैं मर जाना पसंद करूँगा। और इतनी भारी वेलकम डायलॉग कृष्णा के सुन के ना प्राची की यहाँ पे मतलब दिल कलेजा उसके हाथ में मुँह पे आ गया होता है। कृष्णा कृष्णा के बात सुन के प्राची डर तो रही होती है बट वो कृष्णा का उसके लिए इतना प्रोटेक्टिवनेस इतना केयर दे के प्राची को बहुत अच्छा भी लगता है पहली बार। तो उसके दिल में कृष्णा के लिए जो नज़रिया है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है कि वो उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव है, उसको अपने जान से भी ज़्यादा मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। और थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर से कृष्णा के पास आके बोलती है कृष्णा हम चलते हैं ना, प्लीज़ झगड़ा मत करो हम चले जाएंगे यहाँ से। तो वो जो लड़की होती है ना कृष्णा के पास प्राची को इतना पास देख के ना वो कृष्णा के पास आती है और प्राची को उससे खींचने की कोशिश करती है बट कृष्णा उस लड़के को धक्का दे देती है फिर से, और लड़की वो फिर से जाके नीचे गिर जाती है। और वो लड़की एकदम चिल्ला के बोलती कृष्णा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तो कृष्णा बोलते कि मेरे प्राची के पास भी मत आना नहीं तो मैं हर एक को ना यहाँ कद से काट के जाऊँगा। तो एकदम गुस्से में कृष्णा बोलती है उस लड़की को, तो उस लड़की को इतना इंसल्ट होता है वो उसका भाई देखे ना सीधा कृष्णा का गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इंसल्ट करने की, मैं तो बस इस छोरी को मारने वाला था बट नहीं अब तू भी मरेगा हमारे हाथ, तो जो मेरी बहन को रुलाएगा ना उसकी मौत ना तय है। तो उसकी बहन जो होती है पीछे से बोलती नहीं भैया आप कृष्णा को कुछ मत करिएगा वो मेरा प्यार है। तो एकदम से यहाँ पे ना एकदम फिल्मी सीन हो चुका होता है और मतलब वो लड़का एकदम से इतना गुस्से में आ चुका होता है कि वो प्राची के ऊपर हाथ उठाने की फिर से कोशिश करता है कृष्णा को धक्का देने की। बट इस बार ये हमारा जो कृष्णा है ना रियल में हीरो टाइप आता है और उस लड़के का हाथ एकदम से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तेरे को ना आखिरी बारी वार्निंग दे रहा हूँ तू यहाँ से चला जा, पर ना थारे को भी पता है मैं कौन से। तो वो लड़का बोलते अच्छा तू मुखिया का बेटा है तो मैं भी मुखिया का बेटा हूँ, वहाँ से देखते हैं किस गाँव में कितना दम है। तो कृष्णा बोलता है कि मैं थारे को आखिरी बारी बोल रहा हूँ तू चला जाए यहाँ से, बट वो लड़का बिल्कुल नहीं सुनता और मतलब कृष्णा को धक्का दे के फिर से प्राची को ना छूने की कोशिश करता है। और इस बात से हमारे कृष्णा को इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो हाओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं खींच के एक पंच उसके मुंह पे मारता है। वो लड़का जो होता है तो उसके मुंह से एकदम खून निकल आते हैं और दोनों के बीच में ना ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। प्राची तो एकदम घबरा जाती है क्योंकि उसको पहले से तो पता ही होता है कृष्णा कौन है, वो बहुत रोकने की कोशिश करती है बट कृष्णा उसको साइड में बोलती है कि तुम बैठो यहाँ पे जो हो रहा है ना होने दो, आज आज फैसला हो चाहिए, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उतारने की हिम्मत कैसे की, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में बोलती है प्राची को। और प्राची को कृष्णा का इतना कॉन्फिडेंस देख के वो एकदम शॉक और उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव देख के वो भी शॉक, वो एकदम साइड में खड़ी हो जाती है। और कृष्णा उस लड़के की ऐसी धुलाई करती है ना मतलब एक बार मतलब मुक्के पे मुक्का वो लड़का जैसे मारने आता है ना कृष्णा फिर से उसको धाय दे ऐसे मारता है कि वो एकदम गिर जाता है। उसकी बहन आती है उसको बचाने के लिए तो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई को तुम मार कैसे सकते हो। तो वो लड़की कृष्णा बोलता है कि मेरी वाइफ पे उसने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की।
और बोल देना अपने पापा को कृष्णा की अब शादी हो चुकी है और उसकी ज़िंदगी में बस अब प्राची है और किसी लड़की के लिए ना कोई जगह नहीं है, तो तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आइंदा से मेरी वाइफ के ऊपर कोई आँख उठा के देखनी नहीं चाहिए। ऐसे बोल के तो वो प्राची का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है और प्राची के ऊपर इतना हक जताता हुआ देख के प्राची खुद ही मतलब कृष्णा को बस देखती रह जाती है और दिल में मतलब सोचती रहती है कि जो बंदा उसके एक मतलब चिल्लाने से डर जाता था, उसके थप्पड़ खा लेता था, उसकी इतनी ज़्यादा वो करता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। एक पल के लिए उसको ऐसा लगता है कि कहीं ये सचमुच लड़का तो नहीं है ना, मुझे गलतफहमी हो गई थी, बट फिर उसको रियलाइज़ होता है टीनी ने मैंने खुद ही ये चीज़ देखी है कि ये लड़की है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये मेरे सामने इतनी कमज़ोर क्यों दिखाती है। और मेरे लिए जिस तरह मतलब वो प्रोटेक्टिव होता है ना कृष्णा प्राची के लिए, प्राची एकदम फुल ऑन इम्प्रेस हो चुकी होती है, कृष्णा उसका हाथ पकड़ के ना एकदम खींचते हुए उसको वहाँ से लेके जाती है और वो लोग खाना वाना भी नहीं खाते प्राची को, कृष्णा बोलते हैं बाइक में बैठो, बस इस बार ही प्राची कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती और सीधे का सीधा बाइक में बैठ जाती है। कृष्णा एकदम गुस्से में बाइक को भगाते एकदम फुल स्पीड में, प्राची बोलती कृष्णा आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो, गाड़ी तो सही से चलाओ आराम से, हमको हमको घर ही जाना है, सरकुदा नहीं जाना है, बट कृष्णा एक भी नहीं सुनती और मतलब उसके दिमाग में ना वही चल रहा होता है कि उसको कैसे प्राची को कोई कैसे छू सकता है, और उसके होते हुए ये चीज़ ना उसको बहुत दिल पे लग गई होती है, वो बाइक एकदम स्पीड पे बढ़ाती है और बहुत ज़्यादा स्पीड पे ना वो शहर की तरफ ले जाती है। प्राची देखिए एकदम शॉक हो जाती है, तो कृष्णा एकदम से ले जाती है उसको और रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाती है गाड़ी। प्राची रेलवे स्टेशन देखती है, वो एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती कृष्णा हम कहाँ आए, तो कृष्णा बोलती है कि तुमको जाना था ना, तो प्राची बोलती है कि कहाँ, तो कृष्णा बोलते तुमको अपना घर नहीं जाना, तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए गाँव नहीं है, तुमको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, देखा ना आज मेरी वजह से क्या होने वाला था। तो प्राची बोलती है पागल हो गई हो क्या, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है तुमको, तो कृष्णा बोलती है मेरे साथ कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम यहाँ से सेफली जानी चाहिए, मैं तुमको आज बाहर लाया हूँ और तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, जहाँ तुमको जाना है तुम अभी घर जाओ। तो कृष्णा की बात सुनकर प्राची बोलते मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, तो कृष्णा बोलती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुमको मौका मिल रहा है घर जाने के लिए तो फिर भी नहीं जा रही हो, तो कृष्णा की बात सुनकर प्राची बोलती मुझे नहीं जाना, तो कृष्णा बोलती तुम पागल हो क्या, तो प्राची बोलते हाँ मैं पागल हूँ, तो कृष्णा बोलती कि मैं समझा रही हूँ तुमको, बस यही एक मौका है तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं बाबा साहब को बोलूँगी कि प्राची भाग गई, और प्राची बोलती हाँ और उसके बाद तुम्हारे बाबा साहब फिर मुझे ढूंढ के फिर से यहाँ से ले आएंगे और फिर मैं क्या करूँगी, अब अगर मेरी मम्मी पापा को उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर क्या होगा, मुझे कुछ होगा चलता है, बट मेरे माँ बाप के ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। तो कृष्णा बोलते कि उसको उनको कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ की हो, तो तुम्हारे मम्मी के पापा के ऊपर बिल्कुल आँच नहीं आएगा। तो प्राची बोलते हाँ तुमको इतना ईजी लगता है ये सब, तो कृष्णा बोलती यार मैं संभाल लूंगा ना जो होगा, तुम जाओ यहाँ से, तो प्राची बोलती नहीं, तो कृष्णा बोलती क्यों, तो प्राची बोलती कि मुझे बस नहीं जाना, मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ से, तो कृष्णा अपने सर पे ही हाथ रख देती है और एकदम गुस्से में बोलती अजीब लड़की हो यार, बोल रही हो ना जाओ यहाँ से तो जाओ। प्राची बोलती मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे बोल के ना वो स्टेशन से बाहर निकलती है। तो कृष्णा को समझ नहीं आता कि प्राची ऐसी हरकतें क्यों कर रही है और प्राची एकदम गुस्से में आके बाइक के पास बैठ जाती है। तो कृष्णा बोलती कि क्या है प्राची तुमको समझ नहीं आता कोई चीज़ सही से समझाओ, तो प्राची बोलती कि तुमको समझ नहीं आता मुझे ऐसे नहीं जाना है, तो कृष्णा बोलती फिर कैसे जाना है, तो प्राची बोलती घर चलो, तो कृष्णा बोलती मेरी क्वेश्चन का आंसर, तो प्राची बोलती है मुझे कुछ नहीं बोलना है तुमको मुझे घर जाना है। जहाँ कृष्णा गुस्से में थी ना प्राची गुस्से में आ जाती है, तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती प्राची को, वो भी गुस्से में होती है, तो दोनों एक दूसरे को मतलब बात ही नहीं कर रहे होते। कृष्णा डायरेक्ट बाइक उठाती और फड़फड़ाती है, इतना अच्छा मौका था बस इस लड़की को नहीं मुसीबत ही गले डालना है, क्यों तुमको सुकून पसंद नहीं है क्या, एकदम उसके ऊपर चिल्लाते हुए जा रही होती है। इन सब चीज़ों से ना प्राची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, प्राची के दिमाग में चलता है कि मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, हाँ ताकि तुम, वो ऐसे बोल देती कृष्णा को कि तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो ताकि वो दूसरे गाँव की पंच की बेटी से तुम शादी करो, तो कृष्णा बोलती कि क्या पागल हो गई हो कि क्या, तुम्हारे सामने तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं करता मैं उससे प्यार, तुम मेरी वाइफ हो, तो प्राची बोलते फिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना तो मुझे कैसे छोड़ सकती हो तुम अकेला, तो कृष्णा बोलती तुम कौन से दुनिया में हो, तो प्राची बोलते कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ तुमको नहीं पता क्या, तो कृष्णा बोलते कि तुम वो शादी को मानती हो, तो प्राची बोलते नहीं मानती, तो कृष्णा बोलते फिर कैसे मेरी वाइफ हुई, तो प्राची बोलते फिर तुमने क्यों बोला उसको कि तुम मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो कृष्णा बोलती है बोलने के लिए मैंने बस बोल दिया था, तो प्राची बोलती अच्छा बस बोलने के लिए बोल दिया था मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तो कृष्णा को समझ नहीं आता, वो अपने माथे पे सर पे
अपना हाथ रख देती है बाइक चलाते चलाते और बोलती है कि प्राची प्राची तुमको मैं बिल्कुल नहीं समझ सकती, तुमको घर जाना है ना, ठीक है घर चलो, ऐसे बोल के फिर से गाड़ी एकदम स्पीड चलाती है और घर की तरफ ले जाती है। घर जाते रास्ते में दोनों एक दूसरे से एक वर्ड भी बात नहीं करती, दोनों एकदम गुस्से में होते। कृष्णा एकदम स्पीड बाइक लाती है और घर के अंदर घुसा के ना प्राची को कुछ नहीं बोलती, बाइक रोकती है और प्राची जैसे होती है प्राची को उतरती है, प्राची को पीछे ही छोड़ के कृष्णा एकदम गुस्से में चली जाती है। उसकी माँ से बोलती है क्या हुआ बच्चा तुम ठीक हो, इतना गुस्से में क्यों हो, बट कृष्णा बिल्कुल आंसर नहीं देती। प्राची भी एकदम गुस्से में वो ही फेस लेके चली जाती है। उसकी माँ सा दोनों को ऐसे देख के शॉक हो जाती है। कृष्णा पहले से ही अंदर जाके ना सोफे में बैठी हुई होती है और वो घूर के प्राची को देख रही होती है। प्राची जैसे ही एंट्री करती है तो प्राची आती है अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में डायरेक्ट घुस जाती है कृष्णा को बिना कुछ बोले। कृष्णा को और ज़्यादा इतना गुस्सा आता है कि वो अपने रूम से बाहर निकल आता है और बाहर मतलब उनका जो द्वार होता है उन पर एक जोर का मुक्का मारता है। बोलते क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, इसे बोल के एकदम जोर से मारते कि उसके हाथ से ना एकदम खून निकलने लगते। तो उसकी माँ से ये सुन के ना इतनी इतनी धड़ाम की आवाज़ सुन के वो एकदम से आती है तो बोलती है बच्चा तुमको क्या तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी और क्या कर रही हो तुम। तो कृष्णा बोलते कुछ नहीं हुआ मासा, तो उसकी माँ से एक नहीं सुनती और उसके हाथ पे ना हल्दी ऐसे लेप लगाने लगती है। तो कृष्णा बोलती है मासा छोड़िए मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो उसकी माँ सा बोलती है तुम पागल हो के क्या हो गया, फिर से उस लड़की ने कुछ किया तुम्हारे साथ। तो कृष्णा बोलती है नहीं मासा आज उसने कुछ नहीं किया, आज मेरी वजह से उसके साथ कुछ हो जाता। तो कृष्णा की माँ सा बोलती क्या हो जाता, तो कृष्णा सारी की सारी बातें बताती है और वो स्टेशन वाली बात भी बताती है। उसकी माँ ये सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुमने जो किया ठीक किया पर तुम उसको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारे बाबा सा को पता चलता तो क्या होता, तुमको पता भी है। तो कृष्णा बोलती क्या होता मासा, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा सा मुझे मार देते और क्या हो जाता, मेरी वजह से उसकी जो ज़िंदगी ख़राब हुई है कम से कम वो ठीक तो हो जाती। तो कृष्णा की माँ से और एक थप्पड़ लगाती है कृष्णा को और बोलती है कि तुम उस लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी की मुश्किल में डाल रही हो। तो कृष्णा बोलती है कि उस लड़की की जिंदगी मेरी वजह से तो मुसीबत में डाल रही है ना मासा, तो मुझे ही तो ठीक करना है। तो कृष्णा की सुन के उसकी माँ से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलते कि ये तो अच्छा हो कि वो लड़की को थोड़ी अकल है इसलिए वो रहेगी नहीं, तो तुम्हारी जिंदगी ना आज जाती सच में जाती और साथ में मुझे भी मारते। तो कृष्णा बोलती कि मासा मैं तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने देता। तो कृष्णा की मासा बोलते कि हाँ जो राज इतने साल से दबा के रखी ना वो बाहर आ जाता, फिर क्या होता तुम मर जाते, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीती। तो कृष्णा की मासा एकदम इमोशनल होकर कृष्णा को बोलती, तो कृष्णा का गुस्सा थोड़ा सा रिलैक्स होता है। वो अपनी मासा को बोलती देखते हैं, बोलती मासा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं संभाल लेती ना सब कुछ, बाबा सा को पता चल जाता तो क्या होता। तो उसकी मासा बोलती है कि पता चल जाता तो क्या होता, नहीं पता बट बहुत बुरा होता। तो कृष्णा बोलते बाबा से मुझे बहुत प्यार करती है मासा, हम एक बार उनको बता के तो देखते हैं ये सच्चाई, मेरी वजह से कितने दिन और प्राची सफ़र करेगी, कितने दिन वो झेलेगी मेरे हिस्से का दर्द। तो कृष्णा की मासा कुछ नहीं बोलती, तो कृष्णा को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो वहाँ पर बैठ जाती है। उसकी मासा को भी उसकी बातों का थोड़ा सा दर्द होता है, उनके बच्चे को उनकी बेटी थी यार उनको थोड़ा सा दर्द होगा उसकी आंखों में आंसू देख के। और प्राची एकदम से वॉशरूम से बाहर निकलती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है कृष्णा के ऊपर, बट उसको समझ नहीं आता कि उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो एकदम से सोचती कि यार मेरे पास इतना मौका अच्छा मौका था, मैं गई क्यों नहीं, मैं यहाँ से एक बार निकल जाती तो फिर मैं क्यों नहीं गई, और यार मैं कैसे चली जाती, उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मैं क्या इतनी सेल्फिश हूँ जब मैं उसको ऐसे मरता हुआ छोड़ के मैं चली जाती यहाँ से, बट मुझे चले जाना चाहिए था। प्राची एकदम बहुत कंफ्यूज होती, गुस्से में भी होती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्यों नहीं गई। और उसको बार बार ना कृष्णा का वाला फाइट, उसके लिए प्रोटेक्टिव नेचर, वो सारी बातें याद आ रही होती है। प्राची एकदम ना खोई खोई से रहती है, बोलती कि मैं क्या कर रही है प्राची, तू क्या कर रही है, तू बस अपने बारे में सोच, कृष्णा के बारे में सोचने के लिए उसके बाबा सा है, बट मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, मैं अपने वजह से किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। फिर सोचती प्राची तेरी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो फिर सोचती कि नहीं तेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है मतलब क्या हम उसको जान से मार दोगे, नहीं ऐसे मतलब। प्राची भी बहुत कन्फ्यूजन होती है और ऐसे कन्फ्यूजन में ना वो भी आके लिविंग रूम में बैठ जाती है, टीवी ऑन करके पहले ही कृष्णा बैठी हुई होती है बट खोई हुई होती है। प्राची भी वहाँ पे आके बैठ जाती है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते बस खोए हुए होते हैं और टीवी ऑन होता है और दोनों अपने अपने सोच में ही खोए हुए होते हैं, मतलब उनको होश नहीं होता कि वो कहाँ बैठे किसके पास बैठे। प्राची के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, कृष्णा के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। उसने में ना उनकी मासा खाने के लिए बुलाने आ जाती है, तो कृष्णा ना ही सुन रही होती है ना प्राची सुन रही होती है। कृष्णा की मासा बोलती है वो महारानी आपको भी बुला रही हूँ आ जाओ, नहीं तो मेरा ही बेटा बोलेगा कि मेरी बीवी को खाना नहीं देती। फिर भी प्राची नहीं सुनती, कृष्णा को बुलाती है उसकी मासा, कृष्णा अच्छा आ जाओ खाना खा लो,
बट फिर भी नहीं सुनती। तो कृष्णा और प्राची को ऐसे घूम देखे ना, उसकी माँ सा टेंश हो जाती है और वो कृष्णा को उठाने ही वाली होती है। उतनी देर में ना उसके बाबा साहब आ जाते हैं और बोलते, वाह जी वाह, आज तो मेरा बेटा वो एक साथ बैठ के टीवी देख रहे, ये राम मिलाप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसकी माँ सा बोलती है, राम राम मिलाप उसकी क्या, राम मिलाप क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ सा ऐसे चिल्लाने लगती है, इन दोनों की आर्ग्यू से ना इन दोनों का ध्यान टूट जाता है। बोलती है, हाँ हाँ माँ सा आपने बुलाया। तो प्राची भी एकदम से उठ जाती है और साइड में देखती है कृष्णा उसकी बेटी है, और दोनों थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं और वहाँ से उठ जाते हैं। तो कृष्णा के बाबा से बोलते कि कुछ नहीं लाडे सर, तुम दोनों को ऐसे साथ में देखिए हमें बहुत अच्छा लगा, चलो अब खाना खाने, ऐसे बोल के ना कृष्णा के कंधे में हाथ रख के उसको लेके जाते हैं डाइनिंग टेबल के तरफ। बट हमारी प्राची एकदम अब भी खोई खोई होती है, वो जाती तो है डाइनिंग टेबल के पास लेकिन बट उसका ध्यान ही नहीं होता। सारे के सारे लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं बट प्राची बार बार चुप चुप के ना कृष्णा को देख रही होती है। कृष्णा के लिए प्रोटेक्टिव नेचर उसके दिल को ना एकदम भाग गया होता है कि वो मेरी बीवी है, मतलब उसके दिमाग में ना ये चल रहा होता है कि, और वो चुपके चुपके खाना खाते खाते भी ना बस कृष्णा को ही देखी जा रही होती है, और मतलब उसके हाथ से वो खाना, वो मस्ती भरी चीज़ें, वो सारे सब देख के ना उसको खाना ही खाया नहीं जा रहा होता है। तो कृष्णा अपना खाना खा रही होती है, उतने देर में उसके पापा से खाना प्लेट ख़त्म हो जाता है और वहाँ से चली जाती है, और प्राची एक निवाला भी नहीं खाई होती। तो कृष्णा देखती है कि वो उसका खाना खत्म हो चुका होता है बट प्राची एक निवाला उठा के भी नहीं खा रही होती है। तो कृष्णा बोलती है, प्राची वो आई एम सॉरी। तो प्राची कुछ भी नहीं बोलती, वो बस कृष्णा को देखे जा रही होती। तो कृष्णा एकदम उसको हिलाती बोलती है, प्राची सुन रही हो मेरी बात? तो प्राची को एकदम होश आता, बोलते हाँ क्या? तो कृष्णा बोलती है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो प्राची बोलती है क्या? तो कृष्णा बोलती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो उसकी मासा सामने खाने पर बैठी होती है, बोलती कि हाँ जो मेले में घूम घूम के इतना सारा जो खाना खाए हो वो कैसे होगी? तो मेले के बाद याद आके ना कृष्णा को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर से वो प्राची को बोलती है, प्राची मेले के लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमको प्रोटेक्ट करना चाहिए था बट मेरी वजह से तुमको किसी और ने इतना बुरा भला बोल दिया। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती कि अरे नहीं वो बात नहीं है, उल्टा तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट किया, तुमने तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई की, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कृष्णा बोलते कि फिर तुम गुस्सा नहीं हो तो फिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो कृष्णा की बात सुन के ना प्राची एकदम से स्माइल करती और बोलती कि कैसे खाना खाती, तुमने मुझे खाना खिलाया जो मैं खाऊँ खाना? ये बात सुन के ना उसकी मासा एकदम शॉक होकर इन दोनों को देख रही होती है। तो कृष्णा उसकी मासा को कभी देख रही होती, कभी प्राची को देख रही होती, और प्राची एकदम से उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो बात को टालने के लिए बोलती, हाँ तो मैंने बोला था ना जब तक तुम अपने हाथों से नहीं खिलाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो कृष्णा बोलते कब? तो प्राची बोलती कि सुबह तो बोला था मेले पे। तो कृष्णा और प्राची की बात सुन के उसकी मासा फिर से शौक। तो कृष्णा एकदम चुपके से प्राची को बोलती, प्राची ये घर है बाहर नहीं है, मैं रूम में खाना खिला लूंगी, यहाँ पे अच्छे से खा लो। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती, क्यों मैं बाहर तुम्हारी बीवी नहीं हूँ क्या? डाइनिंग टेबल में वहाँ खिलाए यहाँ पे खिलाओ, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। तो कृष्णा चुपके से बोलती, प्राची जिद मत करो, मासा सामने बैठ के गुस्सा हो जाएगी। तो प्राची बोलती, मैं नहीं खाऊंगी, जब तक तुम अपने हाथों से नहीं खिलाओगे मैं नहीं खाऊंगी। तो कृष्णा अब क्या कर दी, सामने उसकी मासा और सामने उसकी साइड पे उसकी बीवी बेचारी एकदम से फंस गई होती। प्राची बोलती कि ठीक है मुझे नहीं खिलाओगे ना, मैं नहीं खाऊंगी। तो कृष्णा बोलती, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो प्राची, बी मैच्योर। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलते, मैं मैच्योर ही हूँ, तुम अपने हाथों से खाना खिला दोगे तो मैं बच्ची नहीं हो जाऊंगी। तो कृष्णा बोलती, हे भगवान हे भगवान, इस लड़की को कोई तो समझाए, थोड़ी सी तो मैच्योर बिहेव करे। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है, ठीक है मुझे खाना खिलाने से मैं बच्ची बन जाती हूँ ना, ठीक है मैं नहीं खाऊंगी खाना, एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो कृष्णा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बैठो मैं तुमको अपने हाथों से खिला रही हूँ, बैठो। तो कृष्णा की मासा ये देख के एकदम शौक बोलती है, बेटा तू क्या कर रहा है ये? तो कृष्णा बोलती, मासा इट्स ओके, मासा मैं खिला देती हूँ देता हूँ ना, इतनी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी आज क्या हुआ आपको पता तो है। तो कृष्णा की मासा भी कुछ नहीं बोलती उसके बेटे की वजह से, मतलब क्या वो जो फाइट सीन उनको भी पता होती है ना, तो वो भी चुप हो जाती है। तो प्राची को कृष्णा पास बिठाती है, अपनी तरफ टर्न करती है और अपने हाथों से एक एक निवाला ना उसको प्यार से खिलाती है। और प्राची ये सारी चीज़ देखे ना उसके दिल में ना बहुत खुश हो रहा होता है कृष्णा के लिए, एकदम रेस्पेक्ट नहीं होता, प्यार नहीं होता यार, इतनी जल्दी प्यार नहीं होता, प्यार होता है पहली नज़र में ही, बट क्या बोले, जो हमारी प्राची है ना उसको एकदम रेस्पेक्ट उसके लिए आ रही होती है, उसकी सारी बातें अच्छी लग रही होती, और बस प्राची कृष्णा को एकटक देखे जा रही होती। तो कृष्णा ऐसे आँखें लगा के बोलती, क्या हुआ? तो प्राची एकदम एकदम सर हिला के बोलती कि कुछ नहीं, और बस खाई जा रही होती और स्माइल किए जा रही होती, और कृष्णा की हर एक चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती। प्राची इनडायरेक्टली हम बोले तो रेस्पेक्ट के साथ ना धीरे धीरे उसके लिए
मतलब फीलिंग्स आ रही होती है हमारी प्राची को, और हमारी प्राची ये चीज़ एक्सप्रेस तो नहीं करती, बट वो एकदम से चुपके चुपके कृष्णा को देख रही होती है और खा रही होती है। और दूर से ये दोनों ऐसे लगते हैं ना, उसकी मासा जैसे इन दोनों को देखती कि एकदम परफेक्ट कपल जैसे, उसके दिल में लगता है कि काश मेरी बेटी लड़का होती ना, ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते। फिर से ये ख्याल आता है उसकी मासा को, और उसकी मासा इन दोनों को एक पल देखती है, पर वो दूसरी पल बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता कभी, छोड़ो, ऐसे बोल के ना अपना खाना खाने लगती है। और कृष्णा को एकदम बहुत गिल्ट हो रहा था कि उसके वजह से प्राची को वो मतलब मेले में उतना कुछ हादसा हो गया उसके लिए, इसलिए वो बड़े प्यार प्यार से उसको खिला रही होती। खाने के बाद उसको पानी पिलाती है, और उसका जो फेस पे थोड़ा सा लगा होता है वो टिश्यू पेपर लेती है और साफ़ करती है, और उठ के उठती है और बोलती है कि अब हो गया खाना, अब मैं जा सकता हूँ आपकी इजाज़त हो तो। प्राची एकदम स्माइल देती है और बोलती है कि हाँ जा सकते हो। तो कृष्णा वहाँ से उठ के ना चली जाती है, तो प्राची कृष्णा को जाता हुआ एकदम देखती रह जाती है और खो जाती है। और पीछे से ये सारी चीज़ें ना कृष्णा की मासा नोटिस करती है, और बस कृष्णा को प्राची देखती रहती है। तो उसकी मासा एकदम पीछे से आवाज़ देती है और बोलती है कि क्या हो गया चोरी, काहे देख रही है ऐसे, हमारे छोरे को नज़र लगाएगी क्या, ऐसे मत देख, ऐसे बोल के ना थू 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 करती है। तो प्राची बोलती है कि मेरा पति है, मैं देखूंगी, अब क्या कर लूँगी, हाँ नज़र लगाऊंगी मैं, ऐसे बोल के उठ के वहाँ से ना स्पेल करता हुआ चली जाती है। तो कृष्णा की मासा को ये चीज़ थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बोलती कि पता नहीं इस छोरी का क्या है, जब देखो मेरे छोरे के पीछे ही पड़ी रहती है, पता नहीं क्या होगा मेरी लड़की का, ऐसे बोल के ना वो अपने सर पे हाथ मारती है और इन दोनों को देखता हुआ रह जाती है। कृष्णा तो बाहर चली जाती है, उसको थोड़ा सा घूमना फिरना होता है, मतलब खाने के बाद वो तो उसको थोड़ा ना वॉक लगता है, तो वो छत पर चली जाती है और प्राची रूम में चली जाती है। प्राची रूम में भी होके ना उसको कृष्णा की सारी छोटी छोटी बातें याद आ रही होती है, कि कैसे पहली रात को उसने उसके ऊपर चप्पल फेंका था, और वो कैसे बच्चों जैसे शर्मा मतलब सिमट गया था उसकी हर चीज़ पे, वो कैसे पिघल जाता है। ये सारी चीज़ें ना मतलब एक इंसान के दिल में ना धीरे धीरे प्यार जगाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, सामने वाले की अच्छाई ही होती है जो हमको मजबूर करती है उनके ऊपर प्यार मतलब आने के लिए। और कृष्णा की सारी बातें ना इतनी ज़्यादा वो अच्छी होती है कि प्राची को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है धीरे धीरे। प्राची बस कृष्णा के बारे में सोची जा रही होती है, सोची जा रही होती है, और वह स्माइल किए जा रही होती है। दूसरी तरफ ना कृष्णा एकदम परेशान होती है, वो बोलती है कि आज ये हादसा होते होते रह गया, आज मैं था उसके साथ, कल अगर मैं नहीं हुआ तो, और मेरी दुश्मनी की वजह से या बाबा साहब की दुश्मनी की वजह से प्राची को फिर से कोई तकलीफ हुई तो नहीं, बाबा साहब से मुझे बात करनी पड़ेगी, उसके लिए चाहे मेरी सच्चाई सामने आ जाए बट मुझे प्राची को यहाँ से निकालना होगा, ये उसके लिए सेफ प्लेस नहीं है। ऐसे वो टेंशन में ना एकदम बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, और वही दिली दिल में ना ये बात सोच चुकी होती कि प्राची को यहाँ से कैसे बाहर निकाले, उसका दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि प्राची यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, उसको यहाँ से निकालना ही होगा, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। वो सोच ही रही होती कि उसको याद आता है कि प्राची बोल रही थी उसको फ़ोन चाहिए ताकि वो घर वालों से कॉन्टैक्ट करे। जैसे ही ये बात ना कृष्णा को याद आती वो एकदम से खुश हो जाती है, और अपने छत से उठ के ना भागते हुए अपने रूम की तरफ जाती है, रूम का डोर नॉक करती है। प्राची बोलती अंदर आ जाओ यार, तुम्हारा ही रूम है, इतना नॉक क्यों कर रही हो, ऐसे बोल के ना वो बुला लेती है। तो कृष्णा एकदम से भागते हुए जाती है, एकदम हाँप रही होती है, तो कृष्णा को इतना हाँपता हुआ देख के प्राची बोलती कि दौड़ क्यों रहे थे, आराम से आते, क्या चलती थी, कुछ चाहिए था तुमको। तो कृष्णा बोलती नहीं, मुझे 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 बोलना था कि हमको फ़ोन चाहिए था ना, ये 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 रहा फ़ोन, तुम अपने घर वालों से बात कर लो। तो प्राची ये सुन के एकदम एक्साइटेड हो जाती है, और एकदम उतर के ना कृष्णा को हक कर लेती है, और इससे ना कृष्णा की जो हाफने मतलब हाफ रही होती है एकदम थोड़ा सा उसको सुकून मिलता है। और कृष्णा को प्राची बोलती है सो कूल यार, तुम टू गुटी द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल के ना उसको फिर से हक करके ना उसके चिक्स पे किस कर देती है। और कृष्णा को ये सारी चीज़ एक पल के लिए सोचती है कि मैं फ़ोन रख लूँ इसको और इसको रोक लूँ अपने पास, और वो भी प्राची को बैक हक करना चाह रही होती है, मतलब उसका मन भी बहुत हो रहा होता है कि वो भी प्राची को एकदम कस के हक कर ले और बोले कि तुम रुक जाओ मेरे पास हमेशा के लिए। फिर दूसरे पल ये सोचते कि नहीं 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 प्राची का यहाँ रहना एकदम सही नहीं होगा, तो वो प्राची को फ़ोन देते हुए बोलते कि तुम अपने घर पे फ़ोन कर लो और उनको बोलो कि पुलिस केस कर दे, तुमको यहाँ से ले ले जाए। तो ये बात सुन के ना प्राची जो हाकी होती है ना उसको उसको खुद से दूर कर देती है, और उसको एकदम से गुस्से वाले नज़रों से देख रही होती है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या प्राची कृष्णा की बात मान लेती है और अपने घर कॉल करके पुलिस केस करके वहाँ से चली जाती है, और उसके नज़रों में ये जो गुस्सा आया है वो किस चीज़ को लेके आया और प्राची के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़े हैं कृपया कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। मुझे बहुत सारा ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, और मेरे तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।